हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज बात करने जा रहे हैं मैटर पे। सबसे पहले मैटर का मतलब क्या होता है बेटा? मैटर का मतलब होता है कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसका मास, उसको बोलते हैं मैटर। ठीक है, अब बेटा मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो बेसिस पे, या तो उसका फिजिकल स्टेट देख लीजिए या उसका केमिकल कंपोजिशन देख लीजिए। अगर आप फिजिकल स्टेट पर देखते हैं तो मैटर को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जैसे आपके पास चेयर है वो सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, एयर क्या गैस है। अगर बेटा उसकी केमिकल कंपोजिशन को देखा जाए, उसकी केमिकल कंपोजिशन का मतलब है अगर वो एक ही तरह की सब्सटेंस का बना हो इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, अगर वो दो तीन सब्सटेंसेस का मिक्सचर है तो उसको बोलते हैं मिक्सचर। अब देखिए आपके सामने टेबल है, आप मैटर को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो सिंपल सब्सटेंस एक तरह के सब्सटेंसेस का बना हुआ है, एक तरह के एलिमेंट का बना हुआ है, एक तरह के मॉलिक्यूलर कंपाउंड का बना हुआ है, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अगर वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का, दो से ज्यादा के कंपाउंड का मिश्रण है तो उसको बोलते हैं मिक्सचर। अब देखिए प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास देखिए बेटा, जैसे आपके पास लिथियम आ गया, ये एलिमेंट फॉर्म में अगर आपके पास लिथियम है, सिर्फ प्योर लिथियम है तो वो एलिमेंट है, वो प्योर सब्सटेंस है। लिथियम क्लोराइड है, मान लीजिए वो क्या होता है बेटा, जब दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो लिथियम क्लोराइड में सिर्फ लिथियम क्लोराइड ही पाया जाएगा तो वो भी प्योर सब्सटेंस आ जाता है, वो कंपाउंड बोलते हैं। मिक्सचर का मतलब होता है या दो से ज्यादा कंपाउंड या दो से ज्यादा एलिमेंट जब मिक्स होते हैं उसको बोलते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर दो तरह की कैटेगरी में आता है बेटा, होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। बेटा वो मिक्सचर जिसमें आपके पास कंपोजिशन आपकी यूनिफॉर्म रहती है। अब देखिए कंपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए जैसे आपके पास एक गिलास है, उसमें आप वाटर डालते हैं, ठीक है। अब वाटर जब डालते हैं बेटा, उसमें जब आप गिलास में वाटर डालते हैं उसके बीच में सॉल्ट डालते हैं, जब उसको मिक्स करेंगे तो आपको जब उसको ड्रिंक करके पियेंगे तो आपको टेस्ट क्या रहेगा, पूरे ग्लास में सेम रहेगा। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें आपके पास जो सोल्यूट है वो पूरी तरह से क्या हो, मिक्स हो, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है, जैसे आपने वाटर लिया, उसमें सॉइल डाल दी, मिट्टी डाल दी आपने, तो सॉइल नीचे बैठ जाएगी, ऊपर पानी आ जाएगा। इसमें जो आपके पास सॉइल है जिसको सोल्यूट बोलते हैं वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ। अब देखिए बेटा सोल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से बनता है, एक बनता है सोल्यूट से, एक बनता है सॉल्वेंट से। सोल्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, एग्जांपल से बताऊंगा आपको मैं। जैसे आपके पास एक गिलास है, उसमें आपने डाला सॉल्ट, डाला एक चम्मच सॉल्ट डाला, गिलास में पानी बहुत ज्यादा है, तो जो पानी है दैट इज द सॉल्वेंट और जो आपका सॉल्ट है दैट इज द सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूशन का वो भाग होता है जो बेटा कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट सोल्यूशन का वो भाग होता है बेटा वो ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। अब बेटा देखिए प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है बेटा, जो सिर्फ सिंगल तरह के सब्सटेंस के, मैंने पहले बताया प्योर सब्सटेंस वो है केमिस्ट्री में जो एक ही तरह के सब्सटेंस का बना हो, जैसे यहाँ एक ही तरह के एलिमेंट का बना हो या एक ही तरह के कंपाउंड का बना हो। जैसे आप देखिए आयरन, प्योर आयरन में सिर्फ आपको आयरन एलिमेंट ही दिखाई देगा, कॉपर एक तरह का एलिमेंट ही दिखाई देगा, हाइड्रोजन एक तरह का एलिमेंट ही दिखाई देगा। अगर आप बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की, उसमें क्या होता है NaCl, तो वो क्या होता है कंपाउंड। बेटा कंपाउंड का मतलब होता है जब दो एलिमेंट बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो कॉमन सॉल्ट में NaCl ही पाया जाएगा, तो ये भी क्या है प्योर सब्सटेंस है। बेटा जब एक ही तरह के सब्सटेंस का कोई हमारा कॉम्प्लेक्स बना होता है उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है बेटा। वो एलिमेंट भी हो सकता है, वो आपका कंपाउंड भी हो सकता है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है बेटा, जब हमारा कोई भी सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर हो, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे वाटर, वाटर क्या है H2O, वाटर एक कंपाउंड है बेटा, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, उसमें और तो कुछ है नहीं, ठीक है, सिर्फ H2O है पूरे पानी में, वो प्योर सब्सटेंस है। और कॉमन सॉल्ट NaCl, वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। जब वाटर को सॉल्ट के साथ मिक्स करेंगे बेटा, जब दो अलग अलग कंपाउंड को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं, देखिए वाटर भी कंपाउंड है और NaCl सॉल्ट भी कंपाउंड है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिक्सचर। अब बेटा हम बात करते हैं, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में। जैसे कि आप देख रहे हैं बेटा, पहला पॉइंट, प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक तरह के सब्सटेंस का बना होता है, एक तरह, जैसे वाटर है, अगर आपके ग्लास में पानी है तो सारा वाटर किसका बना हुआ है, H2O का, तो वो क्या है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर। जैसे आपके पास एक, आपने नींबू पानी बनाया, ठीक है, नींबू पानी क्या है, ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, देखिए पानी का, लेमन का और शुगर का, क्लियर, और सॉल्ट भी कई लोग डालते हैं, तो ये क्या मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस को बेटा हम बेसिकली सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो प्योर है, वो प्योर सब्सटेंस, जैसे पानी को क्या सेपरेट करोगे आप, वो तो प्योर ही है, तो प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे सॉल्ट वाटर है, मान लीजिए आपके पास एक पानी में नमक है, उसको आप हीट करेंगे तो पानी उबल जाएगा, पीछे सॉल्ट रह जाएगा, तो मिक्सचर को हम बेटा फिजिकल मेथड से सेपरेट, फिजिकल मेथड का मतलब यहाँ पे क्या, हीटिंग वगैरह, उसे सेपरेट किया जा सकता है।
प्योर सब्सटेंस की।